जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मेड ब्लॉग्स। दोस्तों तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों ने जिन जिन भाइयों ने एग्जाम जो क्लियर कर लिया है, अपना फिजिकल आर्मी अग्निवीर का जो फिजिकल क्लियर कर लिया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो दिल से, तहे दिल से। और मैं चाहूँगा कि वो सारे जितने भी आगे के जो टेस्ट हैं वो क्लियर करके क्या है अपनी वर्दी हासिल कर पाए दोस्तों, उनके माँ बाप का सपना पूरा हो और उनका सपना उनका ड्रीम पूरा हो और वो अपने अच्छे से अपनी लाइफ को आगे निकाल सके दोस्तों, ठीक है ना। और अपने माँ बाप के सपनों के ऊपर भी खरा उतर सके दोस्तों। मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप लोग आज की डेट में अगर आप लोगों ने ये सोचा है, अपने ड्रीम को अगर अपने माइंड में रखा है, अपने माँ बाप के सपनों को अपने माइंड के अंदर रखा हुआ है, तो आपको हर एक टेस्ट के अंदर क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इवन आपके अंदर वो साहस होना चाहिए, वो आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए, एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ कि मुझे करना है तो करना है, आज ही और अभी करना है सब कुछ, जो भी करना है मुझे हर एक चीज़ से लड़ना है, हर एक चीज़ को हासिल करना है। जब तक आपके अंदर ये हासिल करने का वर्ड नहीं आएगा ना आपके माइंड के अंदर, तब तक आप आई होप तब तक आप यहाँ पर क्या है उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मेहनत और लगन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। तो आप लोग आई होप कर रहे होंगे अपने लिए मेहनत फिजिकल के ऊपर दोस्तों। और फिजिकल की जो 1600 मीटर के आप चार चक्कर आपने लगाने हैं, उसका जो प्रोसीजर है मैं पूरा बता देता हूँ आपको लोगों को ग्राउंड में कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे नए जिन्होंने पहली बार जो भर्ती को देख रहे होंगे उनको पता नहीं होगा, तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। वैसे मैक्सिमम उन्हीं के लिए फायदेमंद होने वाली है और भी बच्चों के लिए फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत एक चीज़ आपको बारीकी से बताने वाला हूँ कि ग्राउंड कैसे होता है, कैसे एंट्री होती है, कैसे यहाँ पर बैठना है, कैसे नहीं, वो हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगेगा। बाय द वे आपके ऊपर डिपेंड है करना नहीं करना लाइक वीडियो को दोस्तों, वो मैं आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते, हम वो अपनी अपनी इच्छा है अपना, जिसको करना है वो कर देना, जिसको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं, आज हम भर्ती के चार चक्कर की बात करेंगे, चार चक्कर आपको भर्ती के 1600 मीटर यानी कि कैसे आपने लगानी है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है आपका कुछ ग्राउंड इस तरह से, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपका जो लाइन लगेगा दोस्तों यहाँ से लगेगा, यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या लाइन लगेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन लगा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले आपका होता है हाइट मेजरमेंट, ठीक है ना। हाइट मेजरमेंट के लिए यहाँ पर एक गेट होगा, यहाँ पर ही वो मशीन लगी हुई है हाइट मेजरमेंट के, यहाँ पर बंदे खड़े होंगे, यहाँ पर आपका हाइट मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पर लगा होगा वो। जैसे आपका यहाँ पर हाइट मेजरमेंट हो जाएगा, हाइट मेजरमेंट होने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पर, एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन के एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा आपका एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पर जिस चीज़ एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो हाइट जिसका सही होगा उसको यहाँ से अंदर कर दिया जाएगा, अंदर भेजने के बाद उसका यहाँ पर एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन होगा और उसको यहाँ पर बिठा दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लाइन से आप लोगों को बिठा दिया जाएगा। एक बात का खास ध्यान रखना दोस्तों, जब आप यहाँ से अंदर हो जाते हो तो आपको किसी से बात नहीं करना है, वहाँ पर शोर नहीं करना है, अपना फोकस अपने सिर्फ रनिंग के ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है बेल्ट डिसिप्लिन होकर जाना है। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है कि आप यहाँ पर जितना डिसिप्लिन से रहोगे उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपने हल्ला नहीं करना है, शोर नहीं करना है, चुपचाप एक लाइन में बैठ जाना जहां आपको बिठाते हैं, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आप यहां बैठ गए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन होने के बाद क्या है आपका रनिंग जो है यहां से स्टार्टअप होता है, ठीक है। यहां से आपको यहां पर बाद में उठाया जाएगा और आपको क्या है यहां से वेरिफिकेशन के बाद यहां से यहां अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। अंदर आने के बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ पर भेजा जाएगा आपको यहाँ, ठीक है ना। आपको यहाँ पर आपका सामान रखने के लिए बताया जाएगा, आप यहाँ पर अपना सामान रख दोगे, ठीक है। इस वाले एरिया में यहाँ पर सामान रखोगे दोस्तों, एक खास बात का ध्यान रखना है आपको, अपने बैग के अंदर जो आप अपना बैग लाया हो उस पर कुछ ऐसी चीज़ बांध देना, निशानी बांध देना, कोई ग्रीन पट्टी या रेड पट्टी ऐसी बांध देना उस पर, ताकि ऐसा अंदाजा हो जाए कि वो आपका ही बैग है। कहीं ऐसा होता है कि जब लास्ट में हम रनिंग करके आते हैं तो जो ये बैग उठाने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर जो ये फेल वाला सेक्शन होंगे तो इनको बैग उठाने के लिए कहा जाएगा, तो ऐसा ना हो कि धोखे से कोई आपका वहाँ से क्या है डॉक्यूमेंट उठा के ले जाए और आपको क्या है वहाँ पर बाहर होना पड़े जो है भर्ती से, क्योंकि दोस्तों यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आप कुछ ना कुछ उस बैग के ऊपर जरूर बांध दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 400 मीटर के चार चक्कर होंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर जो चार चक्कर मारने के बाद यहाँ से जब इंटर होता है यहाँ फेल वालों को यहाँ पर बिठा दिया जाता है, ठीक है। उनको आउट किया जाता है यहाँ पर, यहाँ से उनको बाद में बोला जाएगा कि आप यहाँ से अपना सामान रखो, यहाँ से सामान उठाएंगे और यहाँ से वो एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से बाहर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये उनका बाहर जाने का रास्ता हो जाएगा, ठीक है। और जो पास हो जाएंगे दोस्तों उनके लिए मैं बताता हूँ अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है यहाँ पर, हमें क्या खास ध्यान रखना है दोस्तों वो चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आपका
ये जो एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन का, हम यहाँ पर आगे अंदर अंदर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपको क्या है, सामान रख दिया जाएगा, उसके बाद क्या आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ पर बोलते हैं खड़ा होने के लिए, ठीक है, आपने यहाँ से आना है, यहाँ पर खड़े होना है, ठीक है, यहाँ पर खड़े होते जब आपने, तो दोस्तों अपने ध्यान रखना है आपको हमेशा के इस अंदर वाली साइड में खड़े होना है, ठीक है ना, अंदर वाली साइड में, चाहे कहीं से भी आप इसको अंदर वाली, यहाँ पर क्योंकि रस्सी होती है, यहाँ पर फौजी खड़े रहते हैं, यहाँ पर खड़े रहेंगे, यहाँ पर भी खड़े रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर पकड़ने के लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, जो आपने पकड़ना है ट्रैक, ये अंदर वाला ट्रैक पकड़ना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर, यहाँ पर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद यहाँ पर अगर हो सकता है कि यहाँ पर खड़े हो ज़्यादा आवाज़ शोरगुल हो रहा है, यहाँ से दौड़ना, दौड़ना इस तरफ से हो, ऑफिसर के माइंड में क्या आएगा, वो बोल देगा टर्न ओवर, टर्न ओवर, टर्न और टर्न ओवर बोलते क्या, पीछे से यहाँ से रनिंग हो जाएगी, क्या करोगे दोस्तों। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले जब भी यहाँ पर आते हो, जब आपने बैठना है ना, क्या करते हैं पीछे वाले, हम बैठते हैं, जब पीछे वाला बंदा हमारे हाथ, कंधे पे हाथ रख देता है पीछे से दबाता है, जब आप यहाँ पर उठने की कोशिश करोगे ना, तो आपको पीछे दबा देगा, खींच देगा नीचे, ठीक है। इसलिए अपने कंधे पे किसी को भी हाथ नहीं रखने देना आपने, जब यहाँ पर आप खड़े होते हो, ठीक है, सबसे मेन मेन चीज़ है दोस्तों ये, ठीक है। तो किसी को भी कंधे पे अपने हाथ नहीं रखने देना आपने, और हमेशा अपने रनिंग पोजिशन में अपने तैयार रहना, ठीक है ना, कोई पीछे से धक्का ना दे आपको, उस चीज़ का अपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपने हमेशा ये ट्रैक पकड़ना है, नीचे वाला ट्रैक पकड़ोगे, ये पकड़ोगे, आपने कम से कम यहाँ से 300 मीटर का जो है रनिंग, आपने अगर यहाँ से, अगर अंदर की तरफ कोई दौड़ रहा है तो आपने यहाँ से दौड़ना है, और सबसे आगे निकलते हुए आपने अंदर वाला ट्रैक पकड़ लेना 300 मीटर में, ठीक है। अंदर वाला ट्रैक पकड़ेंगे, अंदर वाला ट्रैक के ऊपर आपने रनिंग करनी है, ठीक है। अंदर वाला ट्रैक ही पकड़ना, क्यों पकड़ना अंदर वाला ट्रैक, उसका एक रीज़न है, आप जितना बाहर की तरफ से दौड़ोगे दोस्तों ना, जितना बाहर की तरफ ना, एरिया आपका बढ़ता जाएगा रनिंग के लिए, ठीक है। इसलिए आपने कभी भी बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे होंगे ना, एक के पीछे एक लाइन लगा के देखना, इसी के पीछे यहाँ पर इसी साइड में दौड़ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपने किसी को काटना भी है थोड़ा सा ना, तो भी आपको क्या, उसको अंदर की तरफ से ही काटना दोस्तों। यहाँ पर अगर काट रहे हो क्योंकि आपके आगे है, तो उसको अपने ज्यादा ऊपर जाके नहीं काटना, उसके साथ से ही आपने उसको काटना है, गिरने का ध्यान रखना, गिरे ना दोस्तों आप, ठीक है ना, उस चीज का अपने ध्यान रखना। फर्स्ट चक्कर जब आपने मार दिया 300, उसके बाद आपने अपने यहाँ पर, अगर आप आगे आगे 300 मीटर रनिंग करके, फुल ताकत नहीं लगानी है उसमें, 300 मीटर आप थोड़ा सा आगे आगे, उसके बाद नॉर्मल स्टेप से अपने रनिंग करनी है, पहला चक्कर लगाना है, उसके बाद आपने दूसरा चक्कर लगाना है, ठीक है ना। और धीरे धीरे अपनी रनिंग को सेकंड चक्कर में, आपने सेकंड जो राउंड होगा उसमें इंक्रीज करना है हल्का हल्का, ठीक है, अपने स्टेप्स को इंक्रीज करना है। थर्ड में क्या करना, और ज़्यादा इंक्रीज करना है। और फोर्थ जब आपका राउंड होता है दोस्तों, फोर्थ चक्कर में आप धीरे धीरे आते हो, तो फोर्थ चक्कर में आपने क्या करना है, ये अंदर वाला ट्रैक ही पकड़े रखना है, अंदर वाला ट्रैक ही पकड़ के रखना है। और लास्ट जब आप यहाँ पर आ जाओगे, 1400 मीटर पे आप आ जाओगे, लास्ट में आपका 200 मीटर जब बच जाएगा, तो आपने फुल जान लगा देने दोस्तों यहाँ पर आने के लिए, आपने फुल ताकत से आना है। लास्ट राउंड में आपने क्या देखना है कि आपसे कितने बंदे आ गए हैं, आपसे कम से कम 40-50 बंदों के ग्रुप में आपने लास्ट में रहना है, क्योंकि 40-50 के ग्रुप के ऊपर नहीं लिया जाता वहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ आपको, 30-40 के बंदों के आगे ही आप उसमें आपने रहना है ग्रुप में, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर 30-40 बंदे यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर ना, यहाँ पर रस्सी लेकर खड़ा रहेगा, तो जैसे क्रॉस हो जाएगा तो ये यहाँ पर क्या करेगा, वो रस्सी यहाँ पर उठा देगा, ठीक है ना। और ये वाले बंदे क्या हो जाएंगे, जो आ रहे होंगे जो उसमें टाइम से, वो यहाँ पर क्या, उनको अंदर कर देगा, ठीक है। और पीछे वाले बंदे क्या, रुक जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो पीछे वाले बंदे फेल होते हैं, उनको क्या करेगा, यहाँ पर पहले पास वाले यहाँ पर रुके रहेंगे, फेल वालों को यहाँ से निकाल देगा यहाँ बाहर, तो यहाँ से क्या, एग्जिट यहाँ पर उठाने के लिए बोलेगा, और उठा के क्या, एग्जिट कर देगा उनको, ठीक है ना, बाहर, ठीक है, जो फेल वाले हैं उनको बाहर कर देगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई बात दोस्तों 1600 मीटर की, आपको कैसे करना है, कैसे दौड़ना है, ये बात उसकी होगी। उसके बाद जो यहाँ से पास होंगे दोस्तों, जो भी जिस भी उसमें आया होगा, चाहे 48 मिनट या 8 मार्क्स या 8 या 60 वाला मार्क्स वाला जो भी है यहाँ पर कॉलम, ठीक है ना 60 और 40 का होता है, आपको पता है फिजिकल, ठीक है ना, 100 मार्क्स का फिजिकल होता है, यानी कि 60 रनिंग के और 40 बीम के होते हैं पुलअप के, ठीक है ना, दो ही चीज़ों के मार्क्स होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो, बट क्या है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद आएंगे आप, यहाँ से क्या होगा आपके पास, उसको आपको आपको किसके लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, फिजिकल एरिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका, यहाँ से आओगे आप, यहाँ से आगे यहाँ आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एरिया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी आपकी, रनिंग किया आपने, रनिंग करने के बाद आपका आगे कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यहीं पर आपका वेट भी होगा, यहीं पर आपका चेस्ट भी होगा, यहीं पर आपका फिजिकल भी होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये बीम्स बना रहेगा, यहाँ पर पुलअप्स वाला, यहाँ पर आपके पुलअप्स होंगे, पुलअप्स करते ही आप कहाँ से कहाँ जाओगे, यहाँ आगे जाओगे, आगे क्या होगा आपका, ये 9 फीट डिच है, ये 9 फीट डिच होगा, यहाँ पर आपका गड्ढा होगा, गड्ढे के बाद यहाँ पर आगे जिगजैग होगा, इसका कोई पॉइंट नहीं होता, ये क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों आपको, जिगजैग का कोई पॉइंट नहीं होगा, ये भी क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर होता है मेडिकल दोस्तों, ये है मेडिकल का एरिया, इसके यहाँ पर होगा मेडिकल दोस्तों, मेडिकल के बारे में मैं आपको लोगों को बाद में वीडियो बना के और दिखा दूंगा दोस्तों,
आई होप ये आपको पूरा स्ट्रक्चर कुछ समझ आ गया होगा, कैसे ग्राउंड के अंदर भर्ती होती है कैसे नहीं होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हर एक चीज़ का, आपको शोरगुल नहीं करना है, आपको अपने जो कानों की जो सारे सुनने की शक्ति है वहाँ पर जो रिक्रूटिंग ऑफिसर है उसके ऊपर ध्यान रखना है आपने, जब भी यहाँ पर गो बोलते हैं तो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है वहाँ पर, ठीक है। और अगर जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से आप रनिंग करते हो दोस्तों यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 1600 मीटर आराम से क्रैक कर लोगे। आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, फालतू की एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है। आप जब स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप यहाँ पर आपको इकट्ठा कर देते ना, जब आपको यहाँ बोलते हैं रनिंग में जाने के लिए, वहाँ पर यहाँ पर क्या करना है धीरे धीरे अपने स्किल को वार्म अप कर देना है। यहाँ बैठे बैठे कई लोग पता है क्या करते हैं, कोई स्प्रे मारता है कोई अपने घुटने की, उससे क्या होता है स्प्रे अगर मारोगे बार बार ना आप अपने इसमें, तो आपको क्या होगा आपका आप जल्दी से गर्म हो गए, फिर आपको वहाँ पर ठंडा हो जाओगे, गर्म हो जाओगे ठंडा हो जाओगे, इससे आपको दिक्कत आएगी दौड़ने में दोस्तों। इसलिए वो चीज़ नहीं करनी है, स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना है आपने दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, जैसे आप यहाँ से जाते हो इस पॉइंट पे, तो इससे पहले आपने वार्म अप होकर रहना धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। वार्म अप होकर धीरे से आपने अपने शरीर को उस टेम्परेचर में ले आना है और क्या है आपने रनिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो और भाइयों के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को। अगर ये स्ट्रक्चर कुछ आपको अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों, तो प्लीज़ और भी पर्सन के साथ जरूर शेयर करना, और प्लीज़ यार चैनल को जरूर सपोर्ट कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।